यार इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है, अब क्या करूं, कैसे जाऊंगा ससुराल, क्या करूं क्या करूं। हो गया पेट्रोल का जुगाड़। हाँ प्रशांत, क्या हाल है? बढ़िया, तू बता। अरे मैं ससुराल जा रहा था। जा पर लेट क्यों हो रहा? मेरे भाई पूरी स्कीम तो सुन ले। मैं यूं कह रहा था, तूने बल्ली को देखा क्या कहीं? मैं क्यों देखता। चल भाई कोई बात नहीं, वो मैं हर बार ना बल्ली को ले जाया करूं अपनी सास ससुराल में, तो उसको ना मेरी ससुराल वाले बहुत बड़े बड़े इनाम देवे, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि भाई मेरी ससुराल वाले बहुत अमीर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी लंबी लंबी कारें उनके पास, और बल्ली को हर बार बहुत बड़ा इनाम देवे। पिछली बार भी रेडो की वॉच दी थी। तो भाई इस बार मुझे ले चल। ना मैं तो बल्ली को ले जाऊंगा। ए भाई बल्ली जाएगा, एक आध बार किसी और है भी ले जा। नहीं चलेगा तो, लेकिन भाई एक दिक्कत है। बता। पेट्रोल नहीं है इसमें। तो हम डलवा देंगे। बहुत दूर है मेरी ससुराल। टंकी पुल करवा देंगे। दो बार होगी। दो बार करवा लियो। दो बार आते हुए होगी। दो बार तब करवा लियो। एक दिक्कत और है। अब क्या दिक्कत है भाई? पेट्रोल है नहीं ना, धक्का मारना पड़ेगा पंप तक बस। तो मैं मार दे रहा हूँ भाई। प्रशांत। हाँ भाई। यार पेट्रोल तो डल गया। हाँ लेकिन एक दिक्कत हो रहा है भाई। अब ना देख पाऊँ मैं कोई भी दिक्कत? मोर पे जितने रुपए सारे हो गए मेरे खर्च। भाई मेरी बात तो सुन, देख पेट्रोल तो डल गया। हाँ लेकिन ससुराल खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ मिठाई खट्टा पानी लेके तो जाना पड़ेगा वहाँ। भाई मुझ पे जितने है मैंने कर दिए सारे खर्च, अब मैं कहाँ से ले आऊं? तो भाई तेरे पास नहीं है क्या भाई? और कहाँ से लाऊं मैं? तो भाई ठीक है, रेडो की वॉच भी नहीं मिलनी, चल रहा मैं तो। ऐसे कैसे ना मिले भाई, जुगाड़ करेंगे हम, किस लिए बैठे हैं? तो करना फिर यार। अभी देख सोच लंदा कुछ। रेडो की वॉच ना छोड़ भाई। भाई बनारसी क्या ले रहे हो? मुझे तो दूध की थैली दिख रही है। मिठाई का टप्पा भी दिख रहा। ओ कम बुला बुला बुला। बनारस है बनारस। भैया यूं तो पूरी ऐंठ में है आज। कोई बात नहीं भाई, काम हमारा है, हम ही चल रहे। राडो की वॉच ना जानी चाहिए हाथ से। मीटर मत देखा, टंकी फुल है। और बनारसी बढ़िया भैया जी, ससुराल जा रहे थे क्या भैया जी? रा सुन तो सही, कैसे जल्दी में है? पूरी बात सुन ले, वो हम ये कह रहे थे कि देख ले अगर खाली हो तो तू भी चल। ना भैया देखिए से मेरी बात सुन, पिछली बार मेरी साथ बल्ली गया था काम मेरी ससुराल में, बताइए परेशान क्या मिला था उसे? राडो की घड़ी। उससे पिछली बार बल्ली का भाई खली गया था, उसे क्या मिला था? सीताराम के लगता। तो देख ले भाई फिर ही होता। चल भैया जी, चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू क्या तेरे हाथ में? भैया जी ये काजू कटली है और दूध है, हमारी अम्मा एक हाथ से पीवे है और एक हाथ से खावे है। कितने साल की अम्मा? भैया जी 82 साल की। ठंड में लास्ट है। तो भाई तू एक काम कर, तू अम्मा को काजू कतली और दूध पिला, हम ले जा रहे खल्ली को। आटे भैया जी हमको भी चलना है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसा कॉम्प्रोमाइज भैया जी? आज की अम्मा की डाइट कैंसिल। ना भैया जी ऐसा ना, ना ना परेशान छोड़ ना यार, छोड़ छोड़ हम खल्ली को ले जाऊंगा चल। अच्छा भैया जी चलो कोई बात नहीं, ला डिब्बा दे। पक्की बात है? पक्की भैया जी, डिब्बा दे। हम दोनों चले, कपड़ा तेरे हो जाएंगे, गाड़ी मेरी। नहीं नहीं मुझे मोटा माल चाहिए, इसको बिठा दे। बैठ गया। चलो पक्की बात, चलो राडो की कपड़े छुट्टा राम के ससुराल मेरी। आज रात को खाने का जुगाड़ नहीं था। अरे तुम्हारे लिए तो लाए थे सासू अम्मा।
साहिल तू तो कह रहा मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। यार यहाँ तो छोटे छोटे से घर और छोटी सी साइकिल खड़ी है। यार प्रशांत तू पागल है कुछ, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये अपना पैसा छुपा के रखा करें और इनके घर रात को बड़े हो जाया करें जब पुलिस सो जा, वरना इनके घर SBI की रेड पड़ जा। भैया जी हमारे यहाँ कोटक के पड़े हैं, एरिया का हिसाब लगा करें, यहाँ SBI चले। क्या खाओगे? काफी दिन बाद आए हो। ऐसा सुर जी तुम्हें तो पता ही है मैं तो खा पी के आया करूँ, इनसे पूछ लूँ इन गरीबों से क्या खाऊंगे। काली वाली पेप्सी। भैया जी समोसे भी चटनी, खट्टी मीठी दोनों। यो ना मिले यहाँ। क्यों ना मिले भाई? मार्केट जाना पड़ेगा ना। तो ले आना मार्केट से। भाई मार्केट जाऊँ किस तरह, आज मार्केट बंद है, संडे है। तो भाई घर में बनवा ले कुछ। सासुम्मा मैगी बना दो। क्यों ना बने? तब भरवा लो भाई। सिलेंडर किस तरह आ जाएगा मार्केट से, मार्केट बंद है, आज संडे है। तो भाई घर में जो सही मंगवा ले। मंगवा ले ना, एक स्पेशल चीज बनवा रहा हूँ, पूरे 56 भाग रखते हैं, जब वो तैयार होती है या बेगम रख लिया। बहुत तगड़ा माल आ रहा है देखें। बेगम आज जायका बड़ा जबरदस्त लगता है, बल्कि नमकीन बनाया तुमने, दिल आ गया बेगम तुमसे। और दामा जी कैसा ना हुआ? अरे वो ससुर जी वो तुम्हारी बेटी ना बहुत तारीफें करती रही थी, मेरे मायके वाले ऐसे हैं, मेरे मायके वाले इतने पैसे वाले हैं, और दिख भी रहा वैसे बहुत पैसे वाले हो। तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो 50-60 लाख रुपए की जरूरत है ज्यादा, तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो बस मंगा लेते हैं। कैश नहीं है मतलब? वो बेटा और बैंक बंद है ना, संडे है। हो सके समोसा पेप्सी भी संडे है, तो 50 लाख तो बहुत बड़ी चीज है। ससुर जी मैं यूं कह रहा, संडे ही इनके लिए है, मुझे पता आज मंगलवार है, मेरा पागल ना बनाइयो, मैं बता रहा पहले ही। बेगम कैसे हो? ओ चल पैसे नहीं है। पैसे लेके जाऊंगा मैं। है नहीं हमारे पास, बता तू क्या कर लेगा। तेरी पगड़ी बनारसी से थोड़ी बिजनेस की बात कर रहा हूं। अरे सुन मेरी बात, मैंने गिरवाया स्कूटी में 500 का तेल, और मेरी हुई है डील डन साइड तू, मुझे 3 लाटो की घड़ी, और ना मिली तेरी गुड्डी पर चांटा, ऐसा मारूंगा तू उठे ना कई दिन तक। देखिए अम्मा जी हम ही लेके आए तू काजू और कतली, और हमसे हुआ है सौदा, हमको भी चाहिए सीताराम का कपड़ा। जिनके साथ आता हूं नहीं समझ। दफा हो जाए यहाँ से, आज के बाद जल्दी पहुंचाना। हाँ ठीक है जा रहा। हाँ भाई बहुत टाइम हो गया, चल रहे कपड़े। हाँ बहुत गंदे हो रहे, चलो ना सुन। राडो की घड़ी कहाँ है? कपड़े किधर है? घड़ी हाँ, कपड़े हाँ। इतनी सी बात, ऐसा जरूर दे दो इन्हें। भाग।